आज के इस वीडियो में बात करने वाले कक्षा 12 केमिस्ट्री विद्युत आपोहन को सचित्र समझाइए, यानी चित्र सहित विद्युत आपोहन को समझाना है दोस्तों। चलो समझते हैं किस प्रकार से, बहुत ही आसान मासन में, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहें, सीधा माइंड में सेट कर देंगे आपके। सबसे पहले हेडलाइंस डालेंगे विद्युत आपोहन। अब इसमें क्या लिखेंगे, विद्युत के द्वारा अपोहन करने की क्रिया विद्युत अपोहन कहलाती है, यानी कि विद्युत के द्वारा यानी विद्युत प्रवाहित करने की क्रिया को ही विद्युत अपोहन कहते हैं। इस विधि के द्वारा केवल विद्युत अपघट की अशुद्धियाँ ही दूर हो सकती हैं, यानी कि जो ये विद्युत अपोहन की विधि है इससे विद्युत अपघट की अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं। इसमें प्रयुक्त उपकरण साधारण अपोहन जैसा होता है, परंतु इसमें बाह्य पत्र में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोलाइड विलयन में उपस्थित आयनिक अशुद्धियाँ तेजी से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर चलती हैं। इस विधि के द्वारा विद्युत अपघट की अशुद्धियाँ जैसे शक्कर यूरिया आदि दूर नहीं हो सकती। अब ये देख सकते हैं इसका फिगर रहा, विद्युत अपोहन द्वारा शोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फिगर बनाते हैं वर्गाकार में, और उसमें दोनों साइड में आप एक साइड में एनोड और दूसरे साइड में कैथोड को जोड़ते हैं। अब सबसे पहले ऊपर इस प्रकार की नली बनाते हैं जिसमें आपको जल यहाँ से डालना है। जल सीधा कहाँ जाएगा, आपके एनोड दिशा की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ कैथोड दिशा से क्या डालना है, आपको विलयन डालना है। वो आपको कहाँ जाएगा, कैथोड दिशा की साइड में जाएगा। और दोनों ओर देखिए कुछ इस प्रकार से गोलाकार में माइनस और प्लस के चिन्ह लगाए गए हैं, जिसको आप लोग अपोहक झिल्ली कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैंने फिगर सहित आपको ये बता दिया है। जिस बच्चे ने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा है तो एग्ज़ाम्स में पूरे छाप कर आएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे दिए गए सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।